कहते हैं पति पत्नी की जिंदगी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों पहियों के सहयोग से ही गाड़ी आगे बढ़ती है। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी कुछ ऐसे ही थी। शादी को 30 साल गुजर चुके थे लेकिन उतार चढ़ाव और नोकझोंक के बावजूद सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वैलेंटाइन वीक पर ऐसी वारदात सामने आई कि हर किसी की रूह कांप गई। पत्नी की निर्मम हत्या के बाद पति ने सुसाइड कर लिया। यह वारदात हरदोई की है। कहते हैं मौत किसी न किसी बहाने दस्तक देती है। लोग वजह तलाशते रह जाते हैं और चंद मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये दोनों तस्वीरें हैं रघुवीर और दया की। दोनों पति पत्नी थे और उनकी शादी को 30 साल गुजर चुके थे। घर में सब कुछ ठीक था लेकिन मंगलवार की सुबह दोनों की जिंदगी के लिए अमंगल साबित हुई। पत्नी की हत्या कर पति का सुसाइड, मामूली विवाद के बाद खूनी कोहराम। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच घरेलू बातों को लेकर कभी कभार विवाद होता था लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि 30 साल की शादीशुदा जिंदगी एक सुबह ऐसी करवट लेगी। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और गुस्से में पति रघुवर ने पत्नी दया को कड़ासे से काट डाला और फिर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। एक पति द्वारा जिनका नाम रघुवीर अर्कवंशी है, उम्र लगभग 60 साल है, उन्होंने अपनी पत्नी दया जिनकी उम्र लगभग 45 साल है कोई गड़ासे से गला काट कर हत्या कर दी है और स्वयं भी फांसी पर लटक गया था एक बाग में जाकर। इस घटना की सूचना डायल 100 के माध्यम से मिली और शवों का पंचायतनामा करके आवश्यक विधि कार्रवाई कराई जा रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात थाना अतरौली के मितानखेड़ा गांव की है। पुलिस को गांव में हत्या और सुसाइड की खबर मिली तो हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा थी। बताया जा रहा है कि 60 साल के रघुवीर का पत्नी दया से चाय बनाने को लेकर कहासुनी हुई थी। मौके पर मौजूद बेटे ने दोनों को शांत करा दिया था लेकिन बेटे के दुकान जाने के बाद पति पत्नी फिर से लड़ पड़े। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। परिजनों के मुताबिक बेटे के जाने के बाद पति पत्नी के बीच फिर से बहस शुरू हो गई जो इतनी बढ़ गई कि गुस्साए पति रघुवीर ने पत्नी दया पर गड़ासे से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। खून से लथपथ पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुस्सा शांत होने पर रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अफसोस के चलते वो घर से बाहर निकल गया और बाग में जाकर पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। प्राथमिक जानकारी के हिसाब से आया कि आज सुबह जो है पति पत्नी में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी जो है और बेटे ने बीच बचाव किया था और उसके बाद से बेटा अपने दुकान पर चला गया था। उसके जाने के बाद से पति पत्नी आपस में पुनः लड़ पड़े और उसी में उत्तेजित होकर पति द्वारा यह घटना कारित की गई और बाद में स्वयं भी फांसी लगा ली गई। मामूली बात को लेकर हुए विवाद ने प्यार और भरोसे की डोर से बंधे रिश्ते को कलंकित कर दिया। 30 साल का रिश्ता टूट गया और गुस्से में आकर बुजुर्ग पति ने जघन्य वारदात की इबारत लिख दी। पत्नी की हत्या कर पति के सुसाइड की घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। एक साथ घर से दो लाशें उठ गई। माँ पिता की मौत से परिवार गमजदा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से प्रशांत पाठक, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। परिवार को लगा कि बेटी ससुराल में खुश है लेकिन घर में बेटी की मौत की खबर पहुंची तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में मां पिता बेटी की ससुराल पहुंचे तो वहां पर उसकी लाश फंदे से लटकी हुई मिली। परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। हैरान कर देने वाली घटना फिरोजाबाद की है। शादी के मंडप में पति के साथ बैठी युवती की ये तस्वीर 4 महीने पुरानी है। परिवार वालों के जहन से शादी की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही ससुराल से बेटी की मौत की खबर आ गई। आनन फानन में माँ पिता बेटी की ससुराल पहुँचे तो उसकी लाश फंदे से लटकी हुई मिली। बेटी की मौत पर भी लगते परिजनों के आंसू नहीं थम रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया।
माता पिता ने बेटी के हाथ पी लेकर उसकी खुशहाल जिंदगी की कामना की थी, लेकिन ससुराल में उसे खुशियों के बजाय मौत नसीब हुई। घटना जसराना कोतवाली के सिकेरिया इलाके की है। पुलिस को नवविवाहिता के फांसी लगाकर जान देने की खबर मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और परिवार वालों को घटना की खबर दी। 4 महीने पहले ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम के जरिए युवती की शादी हुई थी। परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। कितने दिन पूर्व शादी की गई थी? महीने हो गए। क्या कारण रहा हत्या का पीछे? कारण कोई पता ही नहीं चल रहा, वो है नहीं कोई सबाब। नहीं, पहले कुछ मांगा हो या दहेज का मामला रहा हो? तो मामला है ये, तो आप सामूहिक वहाँ शादी की गई थी फिर भी ऐसा हुआ? कोई पहले सूचना आई थी कि दहेज मांग रहे हैं? एक बार बीच में आई। युवती ने खुद ही फांसी लगाई या फिर उसकी हत्या कर शव को लटकाया गया, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वारदात के बाद से ही पति और ससुराल वाले घर से फरार हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को घटना की खबर दी, जिसके बाद लोगों को मामले की भनक लगी। ससुराल वालों का घर से फरार होना साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन सच क्या है यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घर वालों से पूछताछ के बाद ही साफ होगा। ये आज हम लोगों को अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है इसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है, और हमने हम लोगों को पंचायतनामा करना पड़ता है इसमें जो है, तो यहाँ पे एसओ साहब जसराना और पूरी फोर्स उपस्थित है यहाँ पे, और उसके घर वाले आ गए हैं लड़की के। अब इसकी जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद जाँच के बाद जो भी कार्रवाई अपना CO साहब इसमें जाँच करेंगे जो भी कार्रवाई होगी। परिवार का कहना है कि शादी के बाद एक बार दहेज की मांग की गई थी, लेकिन बेटी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। सवाल ये है कि अगर युवती ने सुसाइड भी किया तो क्यों किया? क्या उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था या फिर वो किसी और वजह से परेशान थी? ये तमाम सवाल घर वालों को परेशान कर रहे हैं। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस फरार ससुराल वालों को पकड़ने और घटना का खुलासा करने में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लालच इंसान को किस कदर अंधा बना देता है, इसकी वानगी देखने को मिली कानपुर देहात में। प्रॉपर्टी के विवाद में दूसरे पति और सौतेले बेटे ने महिला की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया। जघन्य वारदात का खुलासा तब हुआ जब फोन नहीं लगने पर महिला के पति घर पहुंचे। शक होने पर उसने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद घर में दफन लाश बाहर निकाली गई। घर के अंदर दफन लाश और मौके पर मौजूद लोगों की भीड़, कत्ल की जघन्य वारदात की तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। महिला की हत्या कर लाश उसी के घर के अंदर कमरे में दफना दिया गया। सनसनीखेज वारदात की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर जघन्य साजिश की पड़ताल शुरू की। महिला की हत्या का आरोप उसके पति, बेटे और बहू पर ही है, जिन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में हैवानियत की साजिश रची। महिला के लापता होने से परेशान बेटी पुलिस को लेकर घर पहुंची तो रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश का खुलासा हुआ। पत्रौल के लड़का मान सिंह ने और उनकी बहू सीमा ने और उनकी समनेन ने, तीसरा, इन सब ने प्लानिंग बना के मेरी माँ को मार दिया। इसकी वजह ये सिर्फ प्लॉट ही था एक। क्योंकि उन लोगों को ये शक था कि अपने लड़का बिटिया दामाद को देंगे, लेकिन हमारे हस्बैंड ने कसम खा ली थी इनसे, मान सिंह से और पत्रौल से, कि मेरे 2 बच्चे हम नहीं लेंगे प्लॉट। महिला के कत्ल की वारदात थाना सिकंदरा के मालवीय नगर की है। महिला का नाम सरोज पाल था। बताया जा रहा है कि मूसा नगर की रहने वाली सरोज की पहली शादी भोगनीपुरा के करियापुर गांव में हुई थी। पति कृपा शंकर से उसकी एक बेटी सुधा हुई, लेकिन बेटी जब 5 साल की थी तभी पति पत्नी में विवाद हुआ और सरोज ने पति से तलाक ले लिया और बाद में पत्रौल से दूसरी शादी कर ली थी।
तखत से सट के एक बड़ा पलंग लगा दिया। और वो कभी बहू मम्मी के बिस्तर नहीं छूती थी, लेकिन उनके बिस्तर इतने कायदे से घरिया के तखत पे रख दिए गए कि जैसे उन्होंने स्वयं घरिया के रखे। और कोठी में आए तो वो कमरा पूरा लिपा हुआ, हमें गेरू से लाल मिला। हमने सब लोगों से, चाचा लोगों से कहा कि चाचा इधर देखो कुछ है। हमारे हस्बैंड और हमारे देवर ने, दोनों लोगों ने आलू में हाथ ऐसे लगाया सो तुरंत वो मट्टी आ गई। दरअसल आरोपी पति और उसके बेटे को शक था कि सरोज अपना प्लॉट बेटी और दामाद को देगी। इसी बात को लेकर आरोपियों ने जघन्य साजिश की पटकथा लिखी। प्लान के तहत आरोपियों ने सरोज को बेटी के ससुराल से लेकर आए और फिर हत्या कर शव दफना दिया। बेटी के पूछने पर बहाना कर दिया कि मां मायके गई है। कई दिन तक कुछ पता नहीं चलने पर बेटी ने थाने में शिकायत की। घर की छानबीन में बेटी को कमरे के अंदर लाश दफन होने का शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने खुदाई की। महिला का जो है हत्या करके उसी घर में मिट्टी में दबा दिया गया था गड्ढा खोद के। ये मृतका की एक लड़की थी, जब उसकी कई दिनों से बातचीत नहीं हुई तो उसने थाने सूचना दी। सूचना पुलिस ने इसकी छानबीन करी तो वहीं घर में ये दबी हुई लाश पाई गई है। जो मृतका है इसके पति हैं प्रतावल, उनका लड़का जो है पुलिस हिरासत में है। प्रॉपर्टी के लालच में हैवानों ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली साजिश रची। कमरे की खुदाई पर पुलिस ने लाश बाहर निकाली तो हर कोई हैरान रह गया। सरोज ने भी शायद कभी सोचा होगा कि उसके अपने ही उसे ऐसी मौत देंगे। आरोपी पति, बेटे और बहू समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश का केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शादी समारोह खुशी और जश्न का मौका होता है, लेकिन अक्सर हर्ष फायरिंग के चलते खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं। कानपुर में लाइसेंसी राइफल से गोली चलने की वजह से एक फौजी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि राइफल फौजी की ही थी, साथी के साथ वो शादी में शामिल होने आया था। इसी दौरान यह घटना सामने आई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर है 29 साल के युवक कुलदीप की, जो आर्मी का जवान था और अंबाला में तैनात था। दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए वो रायबरेली से कानपुर आया था, लेकिन किसे पता था कि दोस्त की शादी उसकी मौत का सबब बन जाएगी। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग ने युवा आर्मी जवान की जिंदगी छीन ली। हर्ष फायरिंग ने ली आर्मी जवान की जान, राइफल से दोस्त कर रहा था फायरिंग। 4 दिन पहले ही कुलदीप छुट्टी पर घर आया था। बताया जा रहा है कि जिस लाइसेंसी राइफल से गोली चली वो उसी की थी। किसी ने उससे फायरिंग के लिए कहा, जिसके बाद उसने राइफल लोड कर अपने दोस्त को दे दी थी, जिसके बाद गोली चल गई। जैसे वहाँ से वापस आ रहे थे तभी कॉल आई इनके दोस्त की, जिसने गोली मारी, गलती से लगी कैसे भी लगी, उसी ने कॉल करके बताया। तो हम लोग तुरंत भाग के चले आए वहाँ से। हम लोग यहाँ करीब 1:30 बजे पहुँचे। वहाँ से सिर्फ उसने यही बताया था कि भाई को गोली लग गई, जल्दी से चले आओ। ये कहाँ गए थे, किसकी शादी में गए थे? ये अपनी दोस्त की शादी में गए थे। सनसनीखेज घटना थाना चकेरी के श्याम नगर इलाके की है। तस्वीरों में दिख रहा ये वही मैरिज हॉल है जो कुलदीप की मौत का गवाह बना। गोली कुलदीप के सीने पर लगी, जिसके बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में कुलदीप को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जवान बेटे की मौत की खबर घर पहुंची तो परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। ये यहीं पे आए थे, शादी में लग गई, फिर उसके बाद हमारी किसी से बात ही नहीं। सब लोगों ने अपना फ़ोन ऑफ कर लिया जो साथ में थे, दोनों लोगों ने। फिर SSP का और SI थे कोई, उन्होंने फ़ोन किया हमको कि वो तो एक्सपायर कर गए तुरंत ही। तो हम यहाँ आए तो पता चला कि वो उन्हीं की राइफल थी, उसी से कोई पैर लग गया है। सवाल ये कि अगर गोली गलती से चली तो सीधे सीने पर कैसे लगी। हालांकि संजय नाम के जिस युवक के हाथों से हादसा हुआ वो कुलदीप का करीबी दोस्त है
और दोनों साथ में ही शादी में आए थे। कुलदीप रायबरेली के बैसवाला लालगंज का रहने वाला था और दोस्त शिवप्रकाश की शादी में शामिल होने कानपुर आया था। गोली हर्ष फायरिंग के दौरान चली या फिर गलती से चल गई, इस पर अभी संशय है। पुलिस वारदात को हर्ष फायरिंग की बजाय हादसा बता रही है, लेकिन फौजी की मौत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। लाइसेंसी राइफल को कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपी युवक संजय को हिरासत में ले लिया है। घटना के चश्मदीद बारातियों से भी पूछताछ की जा रही है। सिपाही हैं, सेकंड कोर सिग्नल रेजिमेंट है मलम में, उसके कुलदीप दीक्षित, उनकी ही राइफल से जो 315 बोर की लाइसेंसी राइफल है उससे गोली चलने से मौत हो गई। उस पर मुकदमा लिखा गया है और जिसके द्वारा गोली चली गई उसको अभी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है और आगे कार्रवाई की जा रही है। भले ही पुलिस फौजी की मौत को हादसा बताए, लेकिन शादियों में हर्ष फायरिंग नई बात नहीं। कानूनी रोक के बावजूद लोग फायरिंग से बाज नहीं आते, जिससे तमाम लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कुख्यात अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। हर रोज किसी न किसी जिले से एनकाउंटर की खबर आती है। सोमवार की रात लखनऊ में 25,000 के इनामी बदमाश और उसके साथी से पुलिस का सामना हुआ। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कुख्यात अपराधी संदीप जख्मी हो गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब हो गया। संदीप पर हत्या, लूट और डकैती के कई मामले दर्ज थे। रात के अंधेरे में पुलिस की मौजूदगी की वजह है कुख्यात बदमाशों से हुई मुठभेड़। आधी रात को ये इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एक तरफ से पुलिस फायरिंग कर रही थी तो दूसरी तरफ से बदमाश गोली चला रहे थे। घटनास्थल पर पड़ी बाइक, तमंचा और कारतूस की तस्वीरें एनकाउंटर का सच बयां कर रही हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी शातिर गिरफ्तार। लखनऊ में बदमाशों से मुठभेड़ देर रात उस वक्त हुई जब पुलिस को इनामी बदमाश संदीप के बारे में खबर मिली। पुलिस ने बाइक सवार संदीप और उसके साथी का पीछा किया और सरेंडर की चेतावनी दी, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में संदीप को गोली लगी और वो बाइक से गिर पड़ा, हालांकि उसका साथी भाग निकला। यहाँ पर अभी एक दुर्दांत अपराधी जिसका कि नाम संदीप था, जो चिन्हट का रहने वाला था, उसके साथ पुलिस की अभी मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि उसे बदमाश को कमर के नीचे गोली लगी है। यह बदमाश का नाम संदीप है, जो कि एक बहुत ही नृशंसतम हत्या एक व्यक्ति को जलाकर हुई थी PGI क्षेत्र में, उसमें वो वांटेड था। इसके अतिरिक्त कृष्णानगर क्षेत्र में डकैती की घटना में वह वांटेड था। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ कृष्णानगर इलाके में हुई। मुखबिर की सटीक सूचना पर स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी की थी। गिरफ्तार बदमाश संदीप 25,000 का इनामी था और काफी दिनों से पुलिस उसकी तलाश में थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी चिन्हट इलाके का रहने वाला है और काफी दिनों से राजधानी में आपराधिक साजिशों को अंजाम दे रहा था। मोटरसाइकिल लूट और चोरी उसकी घटनाओं में भी, ये कई घटनाओं में वांटेड था। पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। नारदगंज के तरफ से यह बदमाश आ रहा था, जहां पर कि SHO सरोजनी नगर और इनकी टीम की सूचना इनको मिली। उसके बाद उन्होंने इसका पीछा किया और अपने लोकल बगल के थानाध्यक्ष SHO अंजनी पांडे को उन्होंने बताया। पुलिस ने इस जगह पर इनकी घेराबंदी की। SSP के मुताबिक पिछले साल PGI इलाके में एक शख्स की जलाकर निर्मम हत्या की गई थी। उस मामले में संदीप वॉन्टेड था। इसके अलावा लूट और डकैती के कई और मामलों में भी पुलिस को उसकी तलाश थी। इसी वजह से उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। एनकाउंटर में संदीप को कमर के नीचे गोली लगी है, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। शातिर अपराधी की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। गिरफ्तार संदीप से पूछताछ कर पुलिस उसके जुर्म की हिस्ट्री खंगाल रही है। आसपास के थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है और फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
और दूसरा बदमाश इसी जंगलों में कहीं चला गया। पुलिस उसकी कॉम्बिंग कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और पुलिस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता है कि एक दुर्दांत अपराधी जो कि नृशंसतम रूप से एक हत्या में शामिल था, डकैती में शामिल था, उसके साथ पुलिस ने मुठभेड़ में और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। लखनऊ समेत सूबे के हर जिले में अपराधियों के खिलाफ मिशन एनकाउंटर जारी है। पुलिस गोली का जवाब गोली से दे रही है। रविवार की रात मेरठ और मथुरा में भी अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई और 5 बदमाश पकड़े गए। संदीप की गिरफ्तारी से राजधानी में अपराध कम होने की उम्मीद की जा रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। गाजियाबाद में बारात के दौरान की गई फायरिंग में 8 बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई। हादसा निवाड़ी के अबूपुर गांव में हुआ। बारात में शामिल एक शख्स ने तमंचे से फायर करने की कोशिश की लेकिन हवा में गोली नहीं चली। जैसे ही उसने तमंचे को नीचे किया गोली चल गई। गोली के छर्रे वहां मौजूद कई बच्चों को लग गए। इसमें 8 बच्चे घायल हो गए। घायलों में से 1 बच्चे की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन गोली चलाने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। एटा के अवागढ़ थाना इलाके में एक युवक का फंदे से लटकता शव मिला। मनमोहन नाम का ये युवक खिड़की मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था। कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्र मनमोहन ने आर्थिक तंगी की वजह से फांसी लगाकर जान दे दी। करीब 2.5 साल से मनमोहन के साथ एक ही कमरे में रहने वाले शिक्षा मित्र अमरपाल ने मनमोहन की मौत के लिए सरकार को दोषी ठहराया है। मनमोहन ऑनेरा के प्राइमरी स्कूल में तैनात थे। जुलाई 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद से उन्हें वेतन नहीं मिला था। गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। आरोपी शख्स काफी समय से पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से अवैध उगाही कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक नकली तमंचा भी बरामद किया है। आरोपी मोदीनगर में लोगों को वर्दी का रुआब दिखा रहा था और पुलिस के अनुसार वो लोगों को डराकर पैसे की भी मांग कर रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हाथरस के थाना हाथरस गेट इलाके के एक डिग्री कॉलेज के बाहर युवक का शव मिला जिसके बाद हड़कंप मच गया। सुबह टहलने गए लोगों ने शव देखा तो पुलिस को खबर की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की शिनाख्त खंदारी गढ़ी में रहने वाले मजदूर के रूप में हुई जो खाना खाकर शाम को टहलने के लिए आया था। मौके पर पहुंचे परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया। पुलिस के समझाने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। मेरठ के सरधना थाना इलाके में चौकीदार की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात टेरकी गांव की है। 22 साल के चौकीदार का नाम शमीम था। परिजनों ने हत्या का आरोप शमीम के दोस्त जीतू पर लगाया है। केस दर्ज कर पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी है। शमीम की दोस्ती झारखंड के रहने वाले जीतू से थी। दोनों ही चौकीदार थे लेकिन हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं है। रिश्तों की उलझन कई बार ऐसे मोड़ ले लेती है कि लोग गुनाह की इबारत लिखने से भी पीछे नहीं हटते। हरदोई में मामूली झगड़े के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फिर सुसाइड कर लिया। कानपुर देहात में प्रॉपर्टी के विवाद में पति और बेटे ने महिला की हत्या कर शव दफना दिया। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह वारदात सोचने पर मजबूर करती है, लिहाजा हर किसी से सतर्क रहने की जरूरत है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।